हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुछ आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एनिमल सेल। और एनिमल सेल में हम चर्चा कर रहे थे मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन में पूछे गए अभी तक क्वेश्चंस, जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, आरपीएससी, झारखंड पीजीटी और पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी के प्रश्नों का संग्रह आपके सामने देख रहे थे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। इन विच स्टेज ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, सूत्री विभाजन के किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देते हैं? तो वो देखिए, प्रोफेज में ही अपनी पहचान को क्रोमोसोम खो देते हैं। सूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि उस समय क्रोमोजोम उलझे हुए धागे के समान होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस की सबसे लंबी प्रवस्था होती है। इसमें तीन प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी तीन घटनाएं होती हैं? पहला होता है गुणसूत्रों का संघनन कंडेंसेशन, दूसरा होता है न्यूक्लियोलस का डिसएपियर होना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये तीन घटनाएं इसी समय प्रारंभ होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच दिस फेज, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रवस्था में तैयार किया जाता है? तो प्रायः मेटाफेस में आता है, क्योंकि मेटाफेस प्लेट बनने को होती है, और मेटाफेस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। तो आपने जब बीएससी में कार्मीन एस्टा कार्मीन के साथ जब आपने उस पर ओनियन टिप जो रूट टिप है उस पर आपने टीस करके जब देखा होगा, तो मियोसिस माइटोसिस सर लोग दिखाते होंगे प्रैक्टिकल में, तो वो मेटाफेज स्टेज ही देखी जाती है। क्रोमोसोम का कैरियोटाइप मेटाफेज प्रवस्था में तैयार किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन से संयोजित होकर डीएनए का प्रत्येक अणु एक लंबे क्रोमेटिन तंतु के रूप में होता है, जो पराकुंडलन द्वारा अत्यधिक संघनित रहता है। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु अधिकतम संघनित होकर एक छोटी व मोटी छड़ का रूप ले लेती है। तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, चूंकि बहुत है ये, कब तक आपको बताएंगे। जाति का गुणसूत्र प्रारूप अर्थात कैरियोटाइप कहते हैं, ध्यान रखना, जो प्रारूप बनाया जाता है क्रोमोसोम का उसे कैरियोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मियोसिस अकरिंग, तो मियोसिस हरदम जर्म सेल में पाई जाती है, चूंकि क्रोमोसोम की संख्या आधी करनी होती है। अगर आधी क्रोमोसोम की संख्या नहीं होगी तो गड़बड़ क्या होगा? गड़बड़ यह होगा कि अगर माता से डिप्लॉयड गैमेट्स बन गया और फादर से डिप्लॉयड, तो आने वाला बच्चा कैसा होगा? टेट्राप्लॉयड, चतुर्गुणित होगा। तो पता लगा चार हाथ होंगे, चार पैर होंगे, जस्ट दुगना हो जाएगा। इसलिए यहां हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मियोसिस की, तो जर्म सेल में पाई जाती है। माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ मियोसिस और माइटोसिस किस बेस पे डिफर होती है? तो वो है बाइवेलेंट के बेस पे। किस पे? बाइवेलेंट के बेस पे। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस, सिनेप्सिस कब बनता है? तो लेप्टोटिन जायगोटिन, तो जायगोटिन में बनता है। कहां बनता है? जायगोटिन, यही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी जायगोटिन में बनता है, ध्यान रखना। तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो इसने सब कुछ दिया है। डिप्लोटीन में टेट्रावेलेंट स्थित में चीज मेटा पर गुणसूत्र टुकड़ों का आदान प्रदान होता है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और जायगोटीन में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइडेड इंटू टू, किस चरण में एक सेंट्रोमियर दो में विभाजित हो जाता है? तो मेटाफेज जो स्टेज है उसी में ये स्टेज होती है, मगर मेटाफेज के बाद एनाफेज में क्लियर अलग होता है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। एनाफेज फर्स्ट चरण में एक सेंट्रोमियर दो में विभाजित हो जाती है। मेटाफेज में क्या होता है? सारे क्रोमोसोम मध्य में आते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, तो देखिए ये जो मेम्ब्रेन डिसएपियर होती है तो ये कब होती है? लेट प्रोफेस में होती है। कब होती है? लेट प्रोफेस, समसूत्री विभाजन के अंतिम प्रोफेस अवस्था में केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सूत्री विभाजन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो दो समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं, फोर आइडेंटिकल, ये तो गलत है, फोर आइडेंटिकल गलत है, टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, तो इसमें सही होगा दो समरूप डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ए ऑप्शन सही होगा, टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एट, क्रोमोसोम को गिना जा सकता है, कब गिना जा सकता है, तो भी हमने आपको बताया था मेटाफेज अवस्था में इनको गिना जा सकता है। मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस, तो बताइएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन, कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण नियंत्रित करता है, कौन सा करता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कंट्रोल करने का काम कैल्शियम करता है, कैल्शियम तथा प्रोटीन, ये टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया है। कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर कैल्शियम तथा प्रोटीन द्वारा नियंत्रित होता है। स्पिंडल फाइबर सभी जो सेल्स में दो सेंट्रियोल होते हैं, ये प्रोटीन टिब्यूलिन यानी कैल्शियम और प्रोटीन की बनी सूक्ष्म जो टिब्यूल्स होती हैं संघनन से बनते हैं, ये न्यूक्लियस के सामने साइटोप्लाज्म के विशेष मॉलिक्यूलर रीजन में स्टेबल रहते हैं, इसे सेल का डिवीजन सेंटर या सेंट्रोसोम कहते हैं। प्रोफेज स्टेज के इनिशियल में सेंट्रोसोम के जो चारों ओर अनेक माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन, आरएनए और प्रोटीन किस अवस्था में संश्लेषित होता है, तो वो जीवन अवस्था है, कौन सी है, जीवन अवस्था में, और यस में डीएनए और जी टू में क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के अन्य प्रोटीन्स का निर्माण होता है। डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, तो डीएनए पॉलीमरेज यस फेस में सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील चक्र के यस अवस्था में होता है, यस अवस्था का निर्माण डीएनए संश्लेषण के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिप्केटिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेस, मियोटिक प्रोफेस मियोसिस, मियोसिस प्रोफेस का, तो लिप्टोटीन जाइगोटीन पाइकेटिन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, आपको हमने बताया, क्या बताया, लिप्टोटीन जाइगोटीन, तो चलो देख लेते हैं, लिप्टोटीन जाइगोटीन है, लिप्टोटीन जाइगोटीन फिर पाइकेटिन फिर डिप्लोटीन फिर डाइकाइनेसिस, ये क्रम है इनका। इन माइटोटिक प्रोफेस फर्स्ट दीज आर फाइव सब स्टेज, कौन सी होती हैं, तो ये कहां पूछा गया है, देखिए ये राजस्थान पीएससी पीजीटी वालों, तो अभी हमने बताया था लिप्टोटीन जाइगोटीन डिप्लो लिप्टोटीन जाइगोटीन पाइकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, ये होता है, तो ऐसे आप याद देख लिप्टोटीन फिफ्थ पहले कहां है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉल्सिन समसूत्री विभाजन को किस अवस्था में समृद्ध करता है, तो ये मेटाफेस अवस्था हुए, इन विच स्टेज द कॉल्सिन इनहिबिट माइटोसिस, तो मेटाफेस में करता है, तो जब हमें पॉलीप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त करने होते हैं तब हम कॉल्सिन का प्रयोग करते हैं, ये एक पौधे से निकाला गया पदार्थ है, कैल्शियम ऑटोमैनली से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना, जो कोलिचिन एक रासायनिक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्यतः गठिया रोगों के इलाज में, यह एक विषकारी उत्पाद है जो कि कोशिका के विभाजन के समय इसके मेटाफेज अवस्था को रोक देता है, यह एक पौधे कैल्शियम ऑटोमैनली से प्राप्त किया जाता है। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर कौन करता है कौन करता है, तो वो करता है रिकॉन, देखिए तीन नाम दिए गए, म्यूटॉन रिकॉन और सिस्टोन, सिस्टोन यूनिट ऑफ फंक्शनल जीन्स और रिकॉन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन यूनिट होती है, म्यूटॉन म्यूटेशन की यूनिट होती है, तो बेंजर इन्हें डीएनए के जीन रूप
में माना, इसे तीन भागों में आता है टेस्ट्रॉन, यह बड़ा भाग होता है कार्य की इकाई होती है, रिकॉन रिकॉम्बिनेशन की इकाई, म्यूटॉन म्यूटेशन की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अकर ड्यूरिंग, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का द्विगुणन होता है तो बताइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का द्विगुणन होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए छोटा वलिया का क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रियल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का द्विगुणन कोशा चक्र की प्रवस्था में होता है, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए सही, डी, क्या होना चाहिए डी, अब इन्होंने बताया है बी, चलो चेक भी कर लेते हैं। तो यहां देखेंगे द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज द पीरियोडिक ड्यूरिंग सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ द कल्चर एंड अकर एट द टाइम डिफरेंट फ्रॉम दैट विच न्यूक्लियर डीएनए इज सिंथेसाइज, देयर आर पीरियड इन द सेल साइकिल ऑफ यस लैक्टिस ड्यूरिंग विच नाइदर न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर सिंथेसाइज, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बी गलत दिया हुआ है, चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन होता है जिसमें डाउट लगता है तो उसको कोशिश भी हमारी यही होती है कि उसको हम लोग चेक भी कर लें, तो इस हिसाब से जो सही आंसर इसका है वो डी है ना कि बी है, तो ये आप सही कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी सही है, ये डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम क्या है, तो G1, S, G2 और M फेस, तो D है सही है, G1, S, G2, M फेस यही सही है, यहाँ क्या दिया है, अच्छा ये सही है, ये नवोदय में NVS 2014 में और UPPSC प्री 98 और 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीजमेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, तो पैकेटिन में पहली बार चीजमेटा हमें दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, पैकेटिन में, तो ऑप्शन इसका डी सही है, डुप्ली देख लेते हैं भाई ये क्या दिया हुआ है, चीज मेटा कब नजर आता है, तो लिप्टोटीन जायगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन, डी डिप्लोटीन जायगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन सही है, इसका डिप्लोटीन है, चीज मेटा पूछा है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है, डिप्लोटीन में चीज मेटा बनता है, बिल्कुल सही बताया, मैं कंफ्यूज था इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मासेस, अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, फर्स्ट मियोसिस में क्या नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता, क्रोमोसोम कंडेंसेशन नहीं होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, चीजमा फॉर्मेशन, तो इसमें सही ऑप्शन है सेग्रीगेशन नहीं होता है, ये GIC बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। G0 फेस द सेल साइकिल फाउंड इन G0 सेल में क्या होता है, तो ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका में, कोशिका चक्र G0 प्रवस्था तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती है, G0 प्रवस्था कोशिका चक्र की एक अवस्था है, तो ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, LT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है और बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन है, अलग किस्म का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा इन न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री एवं केंद्रकी विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है, तो ऑप्शन सही है 1, 1 व 1, राजस्थान यानी RPSC बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज के लिए वीडियो इतना ही, हमारा अगला चैप्टर क्रोमोसोम है और हमने शायद क्रोमोसोम के वीडियो बनाए, एक बार हम चेक कर लेंगे, अगर इसके वीडियो बनाए हैं तो फिर अब वीडियो आगे चैप्टर के मिलेंगे, वरना क्रोमोसोम, मुझे लगता है क्रोमोसोम के हमने वीडियो आपको दे रखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं और वीडियो की जो श्रृंखला है उसमें देख सकते हैं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम चैप्टर हमें याद है कि हमने करवा रखा है, जितना ही इसका पूरा का पूरा चैप्टर हमने करवा रखा है क्रोमोसोम का, मुझे याद आ रहा है कि हमने इसको पूरा आपके लिए करवा रखा है, और जीन संरचना तथा अनुवंश की इसको भी हमने आपके लिए पूरा का पूरे वीडियो इसके दे रखे हैं, इसके सारे के सारे वीडियो दे रखे हैं, और मेंडल की वंशागति मुझे नहीं याद है कि दिया है कि नहीं दिया है, मैं इसको चेक कर लूंगा, मेंडल की वंशागति हमने दी है कि नहीं दी है, अगर नहीं दी होगी तो मेंडल की वंशागति हमें लगता है ये दे रखा है हमने, तो अगर हम इसको दे रखें तो आगे बात होगी अब हमारी,
जय विकास भी हमने दे रखा है, पूरा का पूरा जय विकास खत्म कर दिया है, तो जय विकास भी हो गया है हम लोगों का, लैमार्किज्म डार्विनिज्म ये दे दिया हमने आपको, पूरे के पूरे वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं, आप उनको देखेंगे जाके तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे। ये मानव का विकास हमें लगता नहीं दिया है, हम देख लेंगे अगर कहीं कुछ छूटा है। अब हम आगे अगर चर्चा करेंगे तो पोषण तथा पाचन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।